गाइस तो आज करवा चौथ है, तो ये वाला वीडियो मैं दिन में गई थी क्योंकि कल डायलिसिस चली गई थी तो टाइम नहीं मिला। तो आज मैं ब्यूटी पार्लर गई थ्रेडिंग करवाने के लिए क्योंकि करवा चौथ है तो सजूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग बढ़ गया था तो मैं चली गई थ्रेडिंग करवाने के लिए पार्लर में। तो वहाँ पे मैं बनवाने चली गई पार्लर में थ्रेडिंग। तो और उसके बाद पूजा करवा चौथ कैसे पूजा पाठ की वो सब मैं वीडियो आप लोग को दूंगी पार्ट बाय पार्ट। बट पहले 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 तैयारी हो गया मेरा थ्रेडिंग बनवाने से, तो थोड़ा सा आ गई मैं पार्लर। वहाँ पे सब बोल रही थी कि आप ना मसाज करवा लीजिए, फेशियल करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। बट ना मैं थोड़ा केमिकल से ना बच रही हूँ क्योंकि मतलब कि ना मुझे इन्फेक्शन हो जाता है फटक से, तो इसलिए मैं सिर्फ थ्रेडिंग करवाई और उसके बाद मैं आज तक फेशियल नहीं करवाई हूँ। तो यहाँ पर मैं थ्रेडिंग करवाने के लिए आ गई हूँ, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, वीडियो को फुल इन्जॉय कीजिए। सोमवार को बंद कर मैं तो सोमवार को भी खुला रहता है पता नहीं तो देखना पड़ेगा सुबह जल्दी आए थे क्या? हाँ हाँ तो सुबह 11 बजे ना 11 नहीं होगा 10:30 10:30 के बाद ही खोलते वो आगे अगर दुकान नहीं था दूसरे पीछे आज ये दुकान ही है तो बोला कि क्या जल्दी नहीं पता वाला थोड़ी होगा वो वहाँ जो नहीं यूज करेंगे वही करना आपको नाम क्या कम्प्लीट हो गए तो उसी के पास वो आदमी था मतलब कि वो दुकान आज वही हाँ खोलेगा वो देर से खोलती है हम जल्दी आ गए थे उसी से बात नहीं करते हम यहाँ क्योंकि जानती है पागल आता है उससे बात नहीं करते। मेरे पति जो बोला कि पूछो ना दुकान से वो बताएगा तो कि हम नहीं पूछे हम नहीं पूछे ना Thank you.
दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत भाभी से बात करते, जब भी जाती हूँ तो बात ही ख़त्म नहीं होता है, थ्रेटिंग कंप्लीट हो जाता है लेकिन बात ही ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बात ही कर रही थी तो मैं गाना लगा दी, म्यूजिक लगा दी कि आप लोग भी बोर ना हो हम लोग के बात सुन के। Thank you.